गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट्स बाय स्निग्धा एंड वेलकम बैक टू अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। सो आज मैं क्या अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ वो तो आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो के टाइटल से देख लिया होगा। सो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक किचन प्रोडक्ट जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था एंड ये कॉम्बो सेट में है जिसमें मैंने ऑर्डर किया था एक चॉपर, एक वेजिटेबल चॉपर एंड उसके साथ दो स्पैचुला, एक स्पैचुला एंड एक ऑयल ब्रश। सो पिक्चर में मैंने कुछ इस तरह का प्रोडक्ट देखा था तो लेट्स सी कि मुझे उस तरह का रिसीव हुआ है या नहीं। तो इसे मैंने कितने प्राइस में ऑर्डर किया था वो भी मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ एंड इतने प्राइस में ये वर्थ द प्राइस है या नहीं वो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगी एंड कौन सा ब्रांड से है उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दिस इज़ द चॉपर एंड पहले हम लोग देख लेते हैं स्पैचुला एंड ऑयल ब्रश। सो इसे देखकर जो मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो ये है कि ये इतना छोटा है, मतलब इतना छोटा, मैं आप लोग किस तरह से बताऊँ, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। मतलब ये ऑयल ब्रश तो इट्स ओके, इट्स फाइन, हाँ इस तरह का ऑयल ब्रश छोटा होगा तो चलेगा। अब अंदर से इसकी क्वालिटी भी देख लेते हैं लेकिन साइज़ के हिसाब से आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड क्योंकि इतना छोटा अगर कोई स्पैचुला यूज़ करेगा तो वो स्पून के बराबर हो जाता है। तो आई थिंक ये बेकिंग के काम के लिए ठीक है बट अदरवाइज कुकिंग के लिए आप ये स्पैचुला इट विल बी हार्ड टू यूज़। सो क्वालिटी की बात करूँ तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका जो क्वालिटी है मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया सच में एंड ऐसा नहीं है कि मतलब इजिली टूट जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है एंड इसे मैंने एक बार यूज़ भी किया हुआ है एंड उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये सही है लेकिन ऑयल ब्रश की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है एंड स्पैचुला से मैं उतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ। इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है बट स्पैचुला का साइज़ की वजह से मुझे उससे इशू है। सो अभी बात कर लेते हैं चॉपर की। तो ये एक मैनुअल हैंडी चॉपर है, ऐसा चॉपर मेरे को लेने का बहुत दिन से मन था लेकिन इससे पहले मैं ज़्यादा चॉपिंग वगैरह करती नहीं थी, अभी थोड़ा बहुत कुकिंग करने लगी हूँ तो मैंने ये ऑर्डर किया। सो ये जो कलर मुझे रिसीव हुआ है मुझे कलर काफ़ी पसंद आया है, ब्लैक एंड ग्रीन का कॉम्बो है। सो कलर मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एक्सप्रेशन में पसंद आया है एंड इसकी वेट वगैरह भी सही है एंड मैं इसे पहले टान के देख रही हूँ ये भी बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है एंड अंदर से खोलते हुए ये कुछ इस तरह का है एंड आप देख सकते हो इसकी जो ब्लेड्स है ना ये काफ़ी यू नो शार्प ब्लेड्स हैं एंड इसका जो अंदर का जो बोल है ना इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्लास्टिक जो है वो हार्ड है एंड सच में बहुत अच्छा लगा मुझे इसका प्लास्टिक का जो क्वालिटी है एंड ब्लेड को इस तरह से बिठाना पड़ता है एंड उसके बाद आप इसे मतलब लगा के फिर इसे टानो तो आपका इजीली चॉप हो जाता है, वो तो हम देख लेंगे कि किस तरह से होता है। तो ये था ये टोटल चॉपर जिसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है अकॉर्डिंग टू द प्राइस एंड आप देख सकते हो ब्लेड्स इस तरह से घूमती है। तो हम इसे टेस्ट करके देखेंगे लेकिन ये जो ब्रश है मुझे पसंद आया लेकिन ये स्पैचुला बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो चलिए अभी मैंने यहाँ पर ले लिया है इस चॉपर की टेस्टिंग के लिए, कुछ छोटे छोटे पीसेस पे मैंने गाजर एंड प्याज काट लिया था एंड उसके बाद आप देख सकते हो ये इस तरह से चॉप हो चुका है एंड काफ़ी अच्छे से चॉप हो चुका है, मतलब आपको चॉपर की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। सो आई एम टोटली लविंग दिस चॉपर एंड मुझे बहुत पसंद आया, बहुत इजीली हो जाता है काम, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड या दैट वाज द ऑनेस्ट रिव्यू ऑन दिस प्रोडक्ट गाइस। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड अगर चॉपर खरीदना चाह रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, बस आपको स्पैचुला पसंद नहीं आएगा। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिव्यू। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।